मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ प्रस्ताव के बारे में। जब मैंने आप लोगों को एक वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व या ठहराव के बारे में पढ़ाया था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रस्ताव और स्वीकृति जो है वो किसी भी ठहराव या अनुबंध की आधारशिला। जब तक प्रस्ताव या स्वीकृति नहीं है तब तक कोई वैध ठहराव या अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता। प्रस्ताव क्या है इसके बारे में जैसे मैं आप लोगों को परिभाषा बता चुकी हूँ। जब मैंने इसकी आधारभूत शब्दावली बताई थी मैं भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा 2A में प्रस्ताव की परिभाषा दी गई है जिसके तहत ये कहा गया है कि प्रस्ताव जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा इस उद्देश्य के साथ में रखता है कि दूसरे व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में उसे प्राप्त हो जाए तो इस प्रकार की इच्छा को प्रस्ताव कहते हैं। ये परिभाषा दी गई है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2A के तहत। तो इस आधार पर हम ये संबंधित प्रस्ताव जानते हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी इच्छा प्रस्ताव है या नहीं ये हम कैसे जानते हैं। हम दैनिक जीवन में कितनी प्रकार की बातें करते हैं कितनी प्रकार की इच्छा रखते हैं लेकिन कोई भी इच्छा जो है वो प्रस्ताव का रूप धारण कर सकती है या नहीं कर सकती इसके लिए बहुत से वैधानिक नियम या अनुबंध अधिनियम के तहत उनका भी मौजूद होना साथ में जरूरी है। जब वो उस इच्छा के साथ में जुड़े हुए होंगे वो आधारभूत जो नियम हैं या वो इच्छा उन आधारभूत नियमों को फुलफिल करेगी तभी वो इच्छा प्रस्ताव का रूप धारण कर पाएगी। तो वो कौन सी किस प्रकार के हैं नियम उसको हमें देखना होगा। तो आप लोगों को अब आगे जो मैं बताने जा रही हूँ वो है प्रस्ताव के संबंध में वैधानिक नियम। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इच्छा यदि प्रस्ताव के रूप में हम प्रस्तुत करना चाहते हैं कि ये इच्छा नहीं ये प्रस्ताव है तो उसके लिए हम इस परिप्रेक्ष्य में नियमों को देखेंगे कि वो नियम वो इच्छा प्रकृति कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो कर रही है तो वो निश्चित रूप से हमसे प्रस्ताव कहेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो बात है वो ये कम से कम दो पक्षकार होने चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है परिभाषा वाली कार्य जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष तो निश्चित रूप से कोई दूसरा पक्षकार होगा जिसके समक्ष इच्छा रखी जाएगी। तो दो पक्षकारों का कम से कम होना जरूरी है ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल दो ही पक्षकारों न्यूनतम सीमा जो है वो दो पक्षकार हैं क्योंकि एक व्यक्ति इच्छा रखता है और जिस व्यक्ति के समक्ष वो इच्छा रखता है उसके समक्ष उसका आशय होता है कि वो उस पर अपनी स्वीकृति करने या न करने के संबंध में दे। तो इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि दो कम से कम दो पक्षकार इसमें होंगे। दूसरी बात जैसा कि इसकी परिभाषा में दूसरा पॉइंट जो इसमें दे रखा है तो जो इसकी परिभाषा में मैंने आप लोगों को बोला भी है कि जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा न करने की इच्छा तो किसी कार्य को करने अथवा न करने की इच्छा इसका मतलब है कि वो इच्छा दो रूप में हो सकती है वो सकारात्मक भी हो सकती है या वो नकारात्मक भी हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रस्ताव सकारात्मक भी हो सकता है और प्रस्ताव नकारात्मक भी हो सकता है। जब प्रस्ताव सकारात्मक है तो जाहिर है कि उसकी स्वीकृति भी सकारात्मक ही होनी चाहिए लेकिन जब कोई प्रस्ताव नकारात्मक है तो उस स्थिति में निश्चित रूप से उसकी स्वीकृति भी नकारात्मक होनी चाहिए अन्यथा वो किसी ठहराव या अनुबंध का निर्माण करने में सक्षम नहीं होगा। अब सकारात्मक या नकारात्मक प्रस्ताव कैसे होंगे। एक्स वाई को कहता है कि अपन आज शाम को मूवी देखने चलेंगे। वाई इस पर अपनी सहमति दे देता है यानी कि ये प्रस्ताव कैसा था सकारात्मक। तो उस पर उसने सहमति दी होगी सकारात्मक की ठीक है अपनी करेंगे तो ये सकारात्मक प्रस्ताव। लेकिन यदि एक्स वाई से कहता है जिनका
कोई प्रोग्राम था पहले कि आज अपन जो अपन ने सोचा था कि इधर चलना है तो आज वहाँ अपन नहीं चलेंगे, तो दूसरा व्यक्ति कहता ठीक है नहीं चलेंगे, तो इसका मतलब उसने अपनी जो प्रस्ताव था नकारात्मक था और दूसरे व्यक्ति ने उसकी स्वीकृति भी उसकी नकारात्मक थी। तो इस रूप में जो प्रस्ताव था वो नकारात्मक और उसकी स्वीकृति भी नकारात्मक थी। तो प्रस्ताव या स्वीकृति सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। तीसरा इसके अंतर्गत जो बिंदु है वो बिंदु है कि प्रस्ताव जब किया जाता है अनुबंध की दृष्टि से, अनुबंध के पृष्ठभूमि में हम इन सबको देख रहे हैं, तो अनुबंध की दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष कोई प्रस्ताव रख रहा है तो प्रस्ताव रखते समय उसकी इच्छा दूसरे व्यक्ति के साथ में वैधानिक संबंध स्थापित करने की होनी चाहिए। यदि इस प्रकार से उसकी कोई प्रस्ताव करते समय कोई मंशा नहीं है, यानी उसका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति के साथ में जो है वैधानिक संबंध स्थापित करेगा, तो वो प्रस्ताव जो है वो प्रस्ताव नहीं माना जाएगा अनुबंध की दृष्टि से। लेकिन यदि उसका उद्देश्य उसके साथ वैधानिक संबंध स्थापित करने का है तभी वो प्रस्ताव स्वीकृति के साथ मिलकर एक अनुबंध का निर्माण करने में सक्षम होगा। अब वही बात की कैसे हम समझें कि वैधानिक संबंध स्थापित करने में सक्षम है या नहीं, तो इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारे सामाजिक जीवन में हमारे दैनिक जीवन में कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जिनको हम केवल और केवल एक सामाजिक या अपने सामान्य जीवन से जोड़कर देखते हैं, इसके आगे हमारा कोई इरादा नहीं है। इस प्रकार के जो प्रस्ताव होते हैं वो प्रस्ताव किसी प्रकार का अनुबंध का निर्माण नहीं कर सकते और उस दृष्टि से प्रस्ताव नहीं कहलाते हैं। जैसे कि कई उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ कि यदि एक डॉक्टर अपने फादर से कहती है कि मैं अगर 60% मार्क्स ले आऊँ तो आप मुझे छुट्टी दिला देंगे, फादर इस पर अपनी सहमति दे देते हैं, या फादर कहते हैं कि ठीक है अगर तुम 60% मार्क्स ले आए तो मैं तुम्हें छुट्टी दिला दूँगा। जबकि 60% डॉक्टर जो है वो 60% मार्क्स ले आती है लेकिन बाद में फादर उसको नहीं दिलाते, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर फादर के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। इसका मतलब क्यों ऐसा क्यों, इसलिए उसका अपने फादर से किसी भी प्रकार से कोई वैधानिक संबंध स्थापित करने का कोई मंशा नहीं थी, कोई आशय नहीं थी, इसलिए वो प्रस्ताव जो है वो अनुबंध का निर्माण नहीं कर सकता और वो इस दृष्टि से केवल प्रस्ताव भी नहीं कहला सकता। और एक दूसरा उदाहरण मैं आप लोगों को दे सकती हूँ कि हम किसी को अपने घर खाने पर इन्वाइट करते हैं, तो हमने जब उसे अपने घर खाने पर इन्वाइट किया है तो वो व्यक्ति सहमति दे देता है कि ठीक है हम आएंगे, और बाद में वो किसी कारणवश अपने बिजी शेड्यूल के चलते नहीं आ पाते तो क्या हम इसके ऊपर केस करेंगे, नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा कोई उसके ऊपर वैधानिक संबंध स्थापित करने का कोई हमारा आशय प्रस्ताव करते समय नहीं है, इसलिए जब तक किसी प्रस्ताव का उद्देश्य प्रस्ताव करते समय दूसरे पक्षकार के साथ वैधानिक संबंध स्थापित करने का न हो यानी उसकी ऐसी कोई मंशा न हो तो वो प्रस्ताव जो है प्रस्ताव की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता अनुबंध की दृष्टि से। तो प्रस्ताव है लेकिन अनुबंध की दृष्टि से उसे हम जो है उसमें नहीं रख सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो हम इसके अंतर्गत बात है वो ये कह सकते हैं कि प्रस्ताव स्पष्ट या गर्भित हो सकता है, तो एक्सप्रेस हो सकता मतलब कि वो एक्सप्रेस हो सकता है या वो इम्प्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस या स्पष्ट क्या है, एक्सप्रेस या स्पष्ट वो प्रस्ताव होता है जिसमें प्रस्ताव करते समय प्रस्ताव से संबंधित सभी तथ्य प्रस्ताव से संबंधित सभी शर्तें जो हैं वो लिखित या मौखिक रूप में स्पष्ट कर दी गई है पक्षकार एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार यानी प्रस्ताव द्वारा स्वीकार करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया नहीं था जब हम प्रस्ताव रखते हैं तो जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता है प्रस्ताव रहता कहलाता है, दूसरा व्यक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति देता है प्रस्ताव ग्रहिता कहलाता है। तो जो प्रस्ताव जब रखा जा रहा है तो लिखित या मौखिक रूप में उससे संबंधित तथ्य और शर्तें जब स्पष्ट कर दी गई हैं तो वो प्रस्ताव स्पष्ट प्रस्ताव करेगा। लेकिन गर्भित प्रस्ताव भी होते हैं और गर्भित प्रस्ताव वो प्रस्ताव होते हैं जिसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से कुछ शर्तें जो है वो क्लियर नहीं होती हैं किंतु व्यक्तियों के व्यवहार या आचरण के द्वारा जो है वो
एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष जो अपने कोई अनुबंध आपको एक प्रस्ताव रख देता है तो वो कभी प्रस्ताव देता है। जैसे कि हम आप तो कहीं जाना है और आप बस स्टैंड पर जाकर खड़े हो गए तो वहाँ पर बस स्टैंड पर जाकर आपका खड़े होना प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है। आप वहाँ खड़े हो फिर बस आई स्टैंड पर रुकी, उसने आपको कहा नहीं कि चढ़ जाओ लेकिन उसने वहाँ पर उसका वहाँ पर रोकना एक तरीके से आपसे इम्प्लाइड प्रस्ताव है। आप वो रुकता है या फिर आप उसमें चढ़ जाते हो तो आपने अपनी सीट की इम्प्लाइड रूप से उसको दे दी। तो इस रूप में जो है वो प्रस्ताव स्पष्ट गर्भित था, प्रस्ताव का निमंत्रण भी गर्भित था और प्रस्ताव की स्वीकृति भी गर्भित था। तो प्रस्ताव जो है वो स्पष्ट या गर्भित हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हम एक बात और बोल सकते हैं कि प्रस्ताव जो है वो विशिष्ट या साधारण हो सकता है। ठीक है, प्रस्ताव विशिष्ट या साधारण हो सकता है। विशिष्ट या साधारण किस रूप में, जब हम किसी व्यक्ति विशेष से प्रस्ताव करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति विशेष ही हमें उस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति देता है, वो प्रस्ताव विशिष्ट प्रस्ताव है। उसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति हमें उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता। लेकिन प्रस्ताव साधारण है तो वो ऐसा प्रस्ताव है जिसमें कि हम किसी व्यक्ति विशेष से प्रस्ताव न करके जन सामान्य से हम प्रस्ताव कर रहे हैं और उसकी स्वीकृति भी जन सामान्य से कोई भी व्यक्ति उसकी शर्तों का पालन करके प्रस्ताव की शर्तों का पालन करके हमें दे सकता है। उसके बाद यदि स्वीकृति से उस स्थिति में प्रस्तावों को बाध्य होना पड़ेगा। इसके संबंध में आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहूँगी और वो उदाहरण है कालिक बनामी कैथोलिक स्मॉल कंपनी का। इस केस में एक इन्फ्लुएंजा की दवाई बनाने वाली कंपनी थी और उसने दवाई बनाई और दवा बना के उसका विज्ञापन किया। विज्ञापन में उसने कुछ बातें जोड़ी कि यदि कोई भी व्यक्ति उस दवा का सेवन उनके द्वारा कंपनी द्वारा बताई गई विधि या उसके अनुसार करता है तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा और अगर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कंपनी जो है उसका कॉम्पनसेशन देने के लिए बाध्य होगी। जिस प्रकार का प्रस्ताव कंपनी ने अखबार में विज्ञापन के माध्यम से किया तो मिसेस कार्लिक थी, उन्होंने उस कंपनी की दवाई का सेवन किया उसी रूप में जिस तरीके से विज्ञापन में बताया गया था और दवा लेने के बाद उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। उन्होंने कंपनी के ऊपर दावा किया कि मैंने आपकी जो दवा का सेवन किया था जैसा विज्ञापन में बताया गया था उसी तरीके से किया था जिनको उनके इन्फ्लुएंजा हो गया, उनको कॉम्पनसेशन कंपनी के द्वारा दिया जाए। कंपनी ने उसको ये कहते हुए कॉम्पनसेशन देने से मना कर दिया कि हमारा आपसे कोई अनुभव नहीं है क्योंकि हमने आपसे कोई प्रस्ताव किया ही। उस स्थिति में मामला कोर्ट में गया और जब मामला कोर्ट में गया तो न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि कंपनी द्वारा दिया गया प्रस्ताव एक सामान्य प्रस्ताव था और सामान्य प्रस्ताव होने की वजह से उस सामान्य प्रस्ताव की स्वीकृति जन सामान्य से कोई भी व्यक्ति उसकी शर्तों का पालन करके कर सकता है। तो क्योंकि मिसेस कार्ले ने ऐसा किया तो कंपनी और मिसेस कार्ले के बीच में उनका निर्माण हो चुका था और उसके तहत कंपनी जो है मिसेस कार्ले को कॉम्पनसेशन देने के लिए बाध्य थी। तो इस तरीके से जो हम कह सकते हैं कि प्रस्ताव जो है वो साधारण भी हो सकता है, प्रस्ताव विशिष्ट भी हो सकता है। विशिष्ट प्रस्ताव जैसा कि मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और क्लास में पढ़ा रही हूँ मैंने कोई क्वेश्चन किया और किसी स्टूडेंट विशेष को मैंने पॉइंट आउट करके कहा कि आप इसका जवाब दें तो उसका जवाब वो स्टूडेंट खड़ा होकर देगा, कोई अन्य स्टूडेंट खड़ा नहीं होगा। तो जब हम किसी व्यक्ति विशेष से को निर्दिष्ट करते हैं, इंगित करते हैं और उसी से हम जो है मुखातिब होते हैं, उससे बात करते हैं, प्रस्ताव करते हैं तो उसकी स्वीकृति व्यक्ति स्वयं होगा। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि प्रस्ताव विशिष्ट या साधारण हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंतर्गत है, प्रस्ताव जो है वो निश्चित होना चाहिए। प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए, इसका मतलब कि प्रस्ताव जब हम कर रहे हैं तो प्रस्ताव की जितनी भी शर्तें हैं, प्रस्ताव के जितने
महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो प्रस्ताव करते समय बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर की हुई होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से वो अस्पष्ट, असंयत या भ्रामक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के प्रस्ताव को जब भी हम प्रस्ताव करते हैं तो उसमें हम उसकी शर्तों से बातें होते हैं, तो किसी प्रकार का अनिश्चित अर्थ वाला या किसी प्रकार का असंयत या भ्रामक जो प्रस्तुतिकरण है शर्तों का वो उनका निर्माण नहीं करेगा। जैसे कि एक्स वाई के कैटर्स के पास दो कार हैं और वो दोनों कारों को बेचना चाहता है, तो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि मैं या तो लाल या फिर सफेद कोई भी एक कार है जिसे कि मैं बेच दूँगा, तुम लेना चाहते हो, तो जहाँ यहाँ पर उन्होंने या तो लाल या फिर सफ़ेद ऐसा उन्होंने अपने तरफ से लिखा कि मैं लाल कार बेचना चाहता हूँ या मैं सफ़ेद रंग की कार बेचना चाहता हूँ। इस प्रकार का कोई कोई दूसरा व्यक्ति बात कहता है कि हाँ मैं लेने का सोच तो रहा हूँ, मैं जवाब दूँ, बाद में जाके वो उसकी इतनी लाल कार उसको पकड़ाता है कि ठीक है ये कार तुम रखो, तो वो उस लाल कार को खोलने के लिए बात नहीं क्योंकि उसने लाल कार के लिए किसी प्रकार से कोई स्पष्ट रूप से उसके स्वयं में भी कोई स्थिति नहीं है। तो हिम्मत या फिर इसको हम ये कह सकते कि हिम्मत की मैं अपनी इस कार को या तो 50,000 में या 70,000 में देख लूँगा, मैं देख लूँगा, तो यहाँ पर कीमत संबंधी शर्त भी क्लियर है। तो और ये दोनों महत्वपूर्ण तथ्य हैं अनुबंध करने के लिए, क्योंकि कार की जब हम बात करते हैं तो वो विषय वस्तु से संबंधित तथ्य हो गया और प्राइस तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम कोई क्योंकि वो कंसिडरेशन है, जब भी हम कोई वस्तु खरीदेंगे तो प्रतिफल को पहले हम डिसाइड करेंगे कि क्या होगा कितना होगा, तो ये सब चीज़ें क्योंकि पहले ये उसने निश्चित रूप से इस पर इसकी नहीं की स्पष्ट नहीं की तो अनुबंध करना नहीं था। ठीक है, आज का तो ये इतना ही है, कल हम इसके आगे देखते हैं।